हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, जो कि बहुत 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 ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले जो जैसे आप 9th में अगर गए, 10th में गए, 11th में गए, तो आपको अगर पैरेललोग्राम की अगर नॉलेज नहीं है ना, तो दिक्कत होगी। आपको क्या करना, पैरेललोग्राम अच्छे से पढ़ना है। और यहां पे भी आपको पैरेललोग्राम पढ़ना ही है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पैरेललोग्राम है क्या, इसकी ब्रीफ एक छोटी सी नन्नी सी मुन्नी सी क्या कर देंगे हम लोग, नॉलेज लेंगे, फिर वन बाय वन अच्छे से सबको पढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम क्या होता है देखते हैं, जरा सा देखते हैं क्या है। ये होता है प्यारे बच्चों फिगर पैरेललोग्राम का। अब ये क्या है इसको देखेंगे, पहले समझते हैं क्या समझेंगे, पैरेललोग्राम की डिफिनेशन समझते हैं है क्या भाई साहब। ये देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब कोई मुझे बता सकता है क्या कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है फोर, लेटरल का मतलब होता है साइड, मतलब चार साइडों से जो मिलके बना हो वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। तो क्या ये चार साइड से मिलके बना है? हाँ प्यारे बच्चों, इतना तो समझ में आया कि नहीं। तो ये पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है कब, इफ कंडीशन लगाई है अब इसमें, इफ बोथ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब अगर अपोजिट साइड्स क्या हो, ये साइड और ये साइड क्या हो, इक्वल हो, साथ ही साथ ये दोनों पैरेलल हो, ठीक है, और बोथ होने चाहिए, बोथ पेयर, एक तो ये पेयर हो गया और एक ये पेयर प्यारे बच्चों, मतलब ये और ये इक्वल हो, साथ ही साथ पैरेलल हो, ये और ये इक्वल हो, साथ ही साथ पैरेलल हो। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? आ रहा होगा। अब देखो शॉर्ट में समझेंगे, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये कहती क्या क्या है। तो ध्यान से देखो, कह रहा है ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के, या डी सी कहो या सी डी कहो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे डी सी भी कह सकते हो, ए बी पैरेलल होगा डी सी के, ए बी पैरेलल होगा, ए बी डी सी के पैरेलल होगा। और साथ ही साथ कहा है कि ए डी, ए डी भाई साहब क्या होंगे, बी सी भाई साहब के पैरेलल होंगे, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, मतलब कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। तो क्या हुआ, यहां पे लिखा ही हुआ है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी हो पैरेलल भी हो, तो पहली वाली कंडीशन तो हमें समझ में आ गई, क्या हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो, दोनों ये भी पैरेलल हो और ये भी पैरेलल। अब देखो दूसरी कह रहा है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी की जहां डी सी भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी अपोजिट, अपोजिट साइड देख रहे ना भाई, अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, यही लिखा है बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहां पे बता रहा है अब इक्वल के बारे में, मतलब ये ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी के, ए बी इक्वल है डी सी के, एंड ए डी किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, ये और ये अपोजिट, ये और ये क्या हो, अपोजिट हुए। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना, समझ में कितना है छोटा सा, यही एक दो ठो लाइन पढ़ी क्या, अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल भी होंगे, तो यही चीज यहां पे बताई है, तो ये भी दोनों क्लियर हो गया। अब क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल ए भाई साहब ये जो एंगल पूरा बन रहा है, ये वाले भाई साहब जो एंगल बन रहा है, हाँ कि ना, ये इक्वल होंगे एंगल सी के, ये जो एंगल देख रहे हो प्यारे भाई साहब, आगे ना ये देख रहे हो प्यारा सा एंगल देख रहे हो, ये एंगल जो होगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ये जो अपोजिट एंगल जो है, ये अपोजिट एंगल है प्यारे बच्चों, ये क्या है अपोजिट एंगल, ए का अपोजिट क्या है सी, और डी का अपोजिट क्या है प्यारे बच्चों, डी का अपोजिट है
बी। तो अपोजिट एंगल भी पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो यहां पे लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए एंगल सी के इक्वल, और एंगल डी इक्वल होता है एंगल बी के। तो एंगल के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं क्या ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी यहां पे लिखो कि डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यहां पे लिख लेना बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है कि जो डायगनल होते हैं ये ए सी, यहां पे तो डायगनल कौन कौन है, डायगोनल कौन कौन है, यहां पे डायगनल कौन कौन है, डायगनल है ए सी एंड डी बी। ए सी एंड डी बी क्या है, यहां पे डायगनल है जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने आप को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो मतलब ये डीओ डीओ डी देखो ओडी लिखो या डीओ लिखो, ओडी किसके इक्वल है ओबी के, मैंने लिखा है, एओ किसके इक्वल है, एओ किसके इक्वल है ओसी के, तो ये दोनों इक्वल में कट कर रहे हैं। तो ये हो गए क्या प्यारे बच्चों, एक समरी हो गई प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम की आखिर क्या प्रॉपर्टी क्या होती है। समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करता हूं अब अच्छे से आया होगा आपको। अब देखेंगे प्यारे बच्चों क्या हम लोग देखेंगे, पैरेललोग्राम देखेंगे कि एनसीईआरटी में कैसे कैसे इसे बताया है। तो ये मैंने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अच्छे से आपको बता दी है, ठीक है, और यही प्रॉपर्टी अब देखेंगे किस तरीके से उन्होंने लंबे चौड़े तरीके से बताने की कोशिश की है अपने बच्चों को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसे अच्छे समझेंगे, इसे रब करूं प्यारे बच्चों, चलो इसको मैं अच्छे से रब करता हूं। ठीक, चलो चलो अब ये फिगर नहीं रब करता हूं, फिगर हो सकता है अभी यूज हो, ए यहां पे लिख देता हूं, बी यहां पे लिख, ए भी नहीं, ये तो ए होगा, ये डी लिख देता हूं। अब देखते हैं कि हमारे एनसीईआरटी भैया साहब ने क्या क्या किस किस तरीके से बताया है। चलो अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा है, क्या करो पेज नंबर 46 खोल लो, और इसमें लिखा है पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने क्या लिखा है, कुछ और लिखा है, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल एज द नेम सजेस्ट कह रहा है, नाम ही आपको बता रहा है, इट हैज समथिंग टू डू विद द पैरेलल लाइंस, कुछ ना कुछ तो पैरेलल लाइन का कुछ चक्कर है भाई साहब यहां पे, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ फिगर्स दिया है और फिगर्स देने के बाद कह रहे हैं दीज आर पैरेललोग्राम और दीज आर नॉट पैरेललोग्राम्स। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। देखो इन्होंने कहा ये 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 पैरेललोग्राम है, ये 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 पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। ऐसा क्यों कहा इन्होंने, कहा इन्होंने साइड में देखो, इन्होंने दिल दिल लेग लिख के भी रखा है, क्या लिखा है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये जो ए बी सी और डी लिखा है प्यारे बच्चों, यहां पे इन्होंने क्या लिखा है कि ए बी जो है हमारे पास, यहां पे जो ए बी है, ये ए बी लाइन पैरेलल है, पैरेलल है किसके, डी सी के, और साथ ही साथ दिया है कि AD, ये जो ये वाली AD लाइन है ये पैरेलल है BC के, हाँ कि ना। तो यहां पे इक्वल इन्होंने नहीं बोला है, बट ये इक्वल है, यहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि ये पैरेलल है, और पैरेलल है इसका मतलब ये इक्वल भी होगी प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, पैरेलल है तो इक्वल भी होगी, टेंशन ना लो, अपोजिट साइड्स की बात कर रहा है। ठीक, अगर ये चारों ये अपोजिट पैरेलल है, ये अपोजिट पैरेलल है, तो ये सीधा सीधा पैरेललोग्राम बन जाता है। इसी तरीके से यहां पे भी इन्होंने कह बताने की कोशिश की है, पी आर एस क्यू में भी इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि क्यू पी पैरेलल है एस आर के और क्यू एस पैरेलल है पी आर के। ध्यान से देखो, क्यू एस पैरेलल है पी आर के, क्यू पी पैरेलल है पी आर के, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड
इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है प्यारे बच्चों, बस हमको यही चाहिए। हमें यही अगर प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी मिल जाए क्या कि ये पैरेलल है, क्या है प्यारे बच्चों, पैरेलल है, अगर यही मिल जा रहा है तो आहा हा हो जाएगा, इक्वल तो हो ही जाएगा वो, तो पैरेलल होना जरूरी है प्यारे बच्चों, क्या वो पैरेलल होना जरूरी है। चलो ठीक, इसी तरीके से इसमें भी कहा कि ये L है, ये M है, ये O है, ये N है, इसमें भी इन्होंने कहा कि जो LM है वो पैरेलल है ON के, और LO जो है लाइन वो MN के पैरेलल है। क्या है LM, ये वाला जो साइड है प्यारे बच्चों ये पैरेलल दिखा दिया, ON के पैरेलल है, और LO जो ये वाली साइड है ये किसके पैरेलल दिखा रहे हैं, MN, ये बता रहा है यहाँ पे, हम ये फाइंड वाइंड नहीं कर रहे, ये खुद ही बता रहे हैं, तो इसका मतलब यही एक कंडीशन अगर है तब भी क्या है ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए, क्या लिख लो यहां पे, पैरेललोग्राम पे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड जो होंगे, अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल शुड बी पैरेलल, ठीक है, क्या होने के लिए, पैरेललोग्राम बनने के लिए जो अपोजिट साइड्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब इन्होंने लिखा है नीचे दीस, क्या है, स्टडी दीस फिगर एंड ट्राई टू डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड, इन सब का अध्ययन करो और हमें बताओ, क्या अपने शब्दों में बताओ व्हाट वी मीन बाय द पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने पूरी डिफिनेशन पढ़ डाली, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी पढ़ डाली, अब क्या डिस्क्राइब करना बचा है, कुछ नहीं। अब देखो यही चीज लिख सकते हो नीचे उन सब में, शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड, अपनी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है आपको वो क्या हो, जो आपने देखा यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, शेयर करोगे कि नहीं, शेयर कर देना। फिर चेक वेदर अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम और नॉट, कह रहे हैं कि क्या अगर आप रेक्टेंगल बनाओ, कोई रेक्टेंगल कैसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, अभी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, वैसे आपको पता होगी मुझे पता है, कह रहे हैं ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो हाँ भाई साहब हाँ है, यस हाँ कि ना, और ये क्यों, ये आप हमें बताना क्यों, क्योंकि दोनों साइड ये अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है ये और इक्वल भी होती है अपोजिट साइड, हाँ कि ना, होती है, इसको भी देख लेंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब डूदिस पे आते हैं कि डूदिस भाई साहब क्या कर रहे हैं, डूदिस भाई साहब क्या कर रहे हैं, पेज नंबर क्या है ये, पेज नंबर है 46, ध्यान से देखो पेज नंबर 46 है, इसको रब करना हो, चलो ठीक है। डू दिस पे आने से पहले ये बगल में जो ये तो पैरल पैरल की बात हो गई, दीज आर पैरल और दीज आर नॉट पैरल में क्या था प्यारे बच्चों, देखो नॉट पैरल में क्या था, दीज आर नॉट पैरल, इसमें क्या था, देखो एक ऐसे 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 हमें दिया गया है, ये ट्रेपीजियम दिया गया है, ये पैरेललोग्राम नहीं होता, एक ऐसे 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 और एक ऐसे दे दिया गया है, और एक हमें ऐसे 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 और ऐसे कैसे ऐसे ऐसे और ऐसे दिए गए। तो पहली चीज, पैरेललोग्राम बनने के लिए चार साइडें चाहिए होती है, क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें कितने, एक दो तीन चार पांच छह, छह भाई साहब ये तो डायरेक्ट कट गए, ये नहीं होते, चार साइड चाहिए होती है, हाँ है, बट देख रहे हो, पर देखो यहां पे भी दिखाते हैं आपको, यहां पे देख सकते हो आप, इसमें दे रहा है क्या, सिर्फ ऊपर वाला देख लेते हैं, ए बी सी डी, इसमें क्या दे रहे हैं, सिर्फ ए बी पैरेलल है डी सी के, सिर्फ एक साइड चाहिए, बट हमको क्या चाहिए पैरेललोग्राम के लिए, क्या होता है प्यारे बच्चों, बोथ साइड पैरेलल होना चाहिए, क्या बोथ, बोथ मतलब दोनों, बोथ पेयर, ये और ये भी पैरेलल, ये और ये, और ये और ये पैरेलल नहीं है, क्या ए डी क्या है, पैरेलल नहीं है किसके, डीसी के, और अगर नहीं है तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा, दोनों चाहिए ना अपने को। अब यहां पे क्या दिया गया है, इस वाले में क्या दिया गया है, इस वाले में तो कुछ भी पैरेलल नहीं है, ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं है और ये वाली साइड भी इसके पैरेलल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये पैरेलल नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, तो ये भाई साहब इनकी बात होगी। अब देख लेते हैं डू दिस भाई साहब क्या कह रहे हैं, डू दिस भाई साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो इसको रब कर देता हूं मैं, हाँ कि ना। अब देखते हैं कि डू दिस क्या कह रहा है, डू दिस, डू दिस में हमें क्या करना है,
डू दिस। अब इसमें क्या करना है ध्यान से देखो, कह रहा है डू दिस में पेज नंबर 46 कह रहा है टेक टू डिफरेंट रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड स्ट्रिप ऑफ डिफरेंट विथ, क्या कह रहा है अलग अलग विथ के, अलग अलग वृथ, नहीं समझ में आता लेंथ ब्रेथ, समझ में आता है कि नहीं, ये लेंथ है ये वृथ है, हाँ क्या लेंथ ब्रेथ हाइट, हाँ कि ना। तो ये कह रहा है कि कुछ अलग अलग विथ का, एक ये ले लीजिए और एक ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, कह रहा है इसी तरीके से आप क्या करिए दो स्ट्रिप कार्डबोर्ड ले लीजिए और फिर ये हमने स्ट्रिप वन और स्ट्रिप टू, देखो ऐसे दिया गया है, कह रहा है प्लेस वन स्ट्रिप हॉरिजॉन्टली एंड ड्रॉ लाइन अलोंग, कह रहा है कि एक स्ट्रिप को क्या करिए आप रखिए जैसे कि मैंने इसको रखा, रखने के बाद कह रहा है इसी के साथ साथ क्या करिए, इसी के ऊपर क्या करिए आप एक लाइन बना दीजिए, ऐसे जैसे कि मैंने स्केल रखा हूं, ऐसे स्केल रखने के बाद क्या किया मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, एक ऊपर से ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया और एक क्या किया नीचे वाले से हमने क्या किया एक नीचे वाले से एक लाइन ड्रॉ किया यू, ठीक है। स्ट्रिप कह रहा है पहली चीज तो इन्होंने ये कही अलोंग कर दिया, इट्स एजेस एज ड्रॉन इन द फिगर 3.14, आप देख सकते हैं 3.14 में कुछ इसी तरीके से ड्रॉ किया गया है। अब फिर क्या कह रहा है नाउ प्लेस द अदर स्ट्रिप इन अ स्लैंट पोजिशन, स्लैंट क्या होती है जो स्लैंट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से या स्लैंट इस तरीके से होता है, कुछ इंक्लाइंड होता है इस तरीके से, समझ में आ रहा है इस तरीके से। अभी आप जब मेजरमेंट पढ़ोगे ना तो वहां पे स्लैंट हाइट देखोगे, स्लैंट हाइट क्या होती है प्यारे बच्चों, ठीक ऐसे समझ में आएगा, ठीक है, वहां पे कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके को कहते हैं स्लैंट। तो इस तरीके से हमें रखना है, इस तरीके की पोजीशन पे हमें क्या रखना है दूसरे स्ट्रिप को, तो आप चाहे इस तरीके से रखो क्या किस तरीके से, आप चाहे इस तरीके से रखो, ठीक है, इस तरीके से रख सकते हो आप, हाँ कि ना, इस तरीके से रख सकते हो और क्या कर सकते हो आप इस तरीके से भी रख सकते हो, जिस तरीके से आपकी इच्छा हो, बस थोड़ा सा मोड़ के रखना है, ठीक है। अब इस ये क्यों करना है सब समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक, इस तरीके से हमको यहां पे रखना है जैसे ये कह रहे हैं, ठीक है, चलो मैं एक भी कर देता हूं, ठीक है। तो जब मैं रखूंगा तो जस्ट सपोज किया क्या किया मैंने, ये देखो इसको हटा देते हैं, क्या करूंगा मैं इस पे इस तरीके से जब मैं रखूंगा तो क्या होगा, मान लेते हैं कुछ मैं क्या करूंगा, ये देखो कह रहे इस तरीके से यहां पे रखो, तो मैंने मान लिया कुछ मैंने इस तरीके से यहां पे रख दिया, ठीक, मैंने क्या किया है रख दिया है, मान ले रहा हूं प्यारे बच्चों इस तरीके से मैंने यहां पे रखा है, ठीक, मैंने क्या किया है इस तरीके से रखा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहां पे रखा, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि ये देखो जस्ट सपोज इन्होंने ऊपर वाला क्या किया है, ऊपर वाला इसे हटाने की कोशिश की, हटा के दिखाया है, इन्होंने क्या किया है कहा कि जब आप इस वाले ये जो रेक्टेंगल आपका बन रहा था, ये वाला जो रेक्टेंगल बन रहा था जब आप ड्रॉ कर रहे हो इसके ऊपर रखे थे, तब आप क्या करिए इसके अलोंग एक लाइन खींचिए, इस वाले के अलोंग यू आप खींच दीजिए एक, ठीक है। तो मैंने क्या किया है आराम से क्या किया एक इसके अलोंग क्या कर दिया एक खींच दिया, और फिर कह रहा है क्या करिए अब एक कर दीजिए इसके अलोंग, इसके अलोंग, ठीक है, हमने इसके अलोंग भी खींच दिया, ठीक। ये तो इसमें देख रहे होगे इस तरीके का कोई शेप बन रहा होगा, अब ये वाली जो लाइन होगी ये इसके पैरेलल होगी, और ये वाली लाइन यहां पे भी तो क्या था प्यारे जो एक स्केल ही तो रखे थे हम लोग, तो स्केल वाली जो ये वाली साइड होती है वो भी तो इस वाली साइड के पैरेलल होती है, कभी देखे हो क्या कि ये वाली साइड इसके साइड क्या आ जाए मीट कर जाए, ऐसा नहीं होता, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जा रही है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, इन्होंने किस तरीके से बनाया ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं, इन्होंने ऊपर का ये पोर्शन हटा दिया, हाँ कि ना, यूं चंपत कर दिया, हटा दिया इसको और इसको कुछ इस तरीके से बना दिया, और इसमें भी क्या किया इनको कुछ इस तरीके से, अरे बाबू हटो, कुछ इस तरीके से इधर बना दिया और कुछ नीचे क्या किया कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, समझ में आया कि नहीं, और ये इन भाई साहब को गायब कर दिया, और इन भाई साहब को क्या किया ड्रॉ स्ट्रिप को क्या किया है
जो स्ट्रिप है उसको गायब करके सिर्फ लाइन लाइन बना दी, लाइन लाइन बनाई कि एक ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, एक क्या के स्ट्रिप को रखा ऐसे ऐसे ड्रॉ किया और एक स्ट्रिप को इस तरीके से रखा और ऐसे ऐसे ड्रॉ किया मैंने, तो हमको फिगर मिला ये 3.16 में कुछ इस तरीके से मिला मुझे फिगर। फिर क्या कह रहा है, draw a line and use this to draw a more lines as shows in the figure 1.6. These four lines enclose a quadrilateral. कह रहे हैं जब आप इस लाइन ये जो बनना है इन लाइन को enclose करोगे, इनको close करोगे, close करते हैं भाई साहब, close करके मिलेगा क्या, कह रहा है हमको एक quadrilateral मिलेगा। ठीक है चलो इसको मैंने ऐसे किया, ये पॉइंट एक है, ये पॉइंट एक है और इसको किया मैंने क्लोज, हाँ कि ना। तो कह रहे हैं जब आप इसे क्लोज करोगे ना बाबू, जब आप इसे क्लोज करोगे तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा और हाँ भाई साहब हमको एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। ठीक है कह रहे हैं दिस इज मेड अप ऑफ टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, कह रहे हैं ये जो आपको मिलेगा ये आपको दो पेयर, एक ये पेयर हो गया पैरेलल लाइंस का, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आपको पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस कह रहा है, इट इज मेड अप ऑफ टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, वो क्या है, एक है ए डी पैरेलल है किसके, AD पैरेलल है BC के, और क्या है एक मिलेगा AB पैरेलल होगा किसके, BC के, तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, यही हमें मिलेगा कि ये वाली इसके पैरेलल है और इक्वल है और ये वाली इसके पैरेलल है, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। और इसमें कह रहा है इट इज अ पैरेललोग्राम, और ये भाई साहब जो मिल रहे हैं ABC और D इज अ पैरेललो पैरेललोग्राम, ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या है पैरेललोग्राम है। अब इन्होंने डिफिनेशन लिखी है पैरेललोग्राम की, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या कहा इन्होंने कि पैरेललोग्राम वो होता है जिनकी अपोजिट साइडें क्या होती है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या होती है पैरेलल होती है, इसको क्या करो अंडरलाइन कर लो अच्छे से, और आप क्या क्या करें डू दिस में आप अंडरलाइन कर लेना, दीज फोर लाइंस enclose are quadrilateral, लिखो ठीक है, these four lines enclose are quadrilateral, this is made up of two pair of parallel lines, इसको underline कर लो, ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, चलो 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 ठीक है। अब देखते हैं क्या कि elements of parallelogram क्या करेंगे, elements देखेंगे कि parallelogram के elements क्या क्या होते हैं, ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं, एलिमेंट समझते हैं क्या होता है पैरेललोग्राम का, इन सबको रब करें, चलो इसको रब कर देते हैं, इन सबको रब कर देते हैं, तो हमारा डू दिस हो गया, अब इसको मैं क्या कर देता हूं रब कर देता हूं, ठीक है डिफिनेशन भी रब कर दें क्या, चलो डिफिनेशन भी हम लोग क्या करते हैं रब कर दिया, बहुत डिफिनेशन पढ़ लिए पैरेललोग्राम की, हाँ कि ना, चलो अब ये भी रब कर दें, चलो ये भी रब कर ही देते हैं, चलो अब देखते हैं डू दिस में, ट्राई दिस है क्या, ट्राई दिस नहीं है, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप यहां पे हेडिंग डालिए क्या, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल है, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, और इसमें क्या है ध्यान से देखो, कह रहा है दीज आर फोर साइड्स ऑफ अ, कह रहा है देयर आर फोर साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, अरे वाह, अब इसी का ही यूज करेंगे हम लोग, यहां पे जो फिगर बनाया है इसी का ही आराम से यूज करते हुए सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, कह रहा है दीज आर फोर साइड्स एंड देयर आर फोर साइड्स एंड फोर एंगल, ऑब्वियस बात है यहां पे फोर साइड हैं और फोर एंगल होते हैं, किसमें पैरेललोग्राम में, इन अ पैरेललोग्राम सम ऑफ दीज आर इक्वल, जिसमें क्या होते हैं कुछ क्या होते हैं इक्वल होते हैं, कौन कौन से इक्वल होंगे, अपोजिट वाले क्या होंगे इक्वल होंगे, सही बात है, सम ऑफ दीज आर इक्वल, देयर आर सम टर्म्स एसोसिएटेड विद दीज एलिमेंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, इसमें कह रहा है कि यहां पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसीलिए तो नाम पढ़ा है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे ठीक है जिनको आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कौन कौन से है, कह रहा है गिवन इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है प्यारे बच्चों, इन अ फिगर 3.8 आप देखिए उसमें क्या है, कह रहा है ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड, कह रहा है आपको याद रखना है कि ए बी और डी सी अपोजिट साइड है, क्या याद रखना है कि ए बी एंड डी सी आर
अपोजिट साइड क्या होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं। अब अपोजिट साइड कौन से होते हैं, ए बी डी सी भी होते हैं और ए डी एंड बी सी आर ऑल्सो अपोजिट साइड, तो इन्हें भी क्या कहते हैं, अपोजिट साइड भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया एक पहला एलिमेंट हो गया इनका। ठीक है, AD एंड BC फॉर्म अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जो कि मैंने अभी बता गया आपको। फिर कह रहा है एंगल A एंड एंगल C आर द अपोजिट एंगल, ये सब मैं बता चुका हूं। क्या है एंगल, एंगल A, एंगल A एंड एंगल एंड एंगल C, एंगल C आर अपोजिट एंगल। क्या है, अपोजिट एंगल है, कौन से, एंगल ए एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी। इसी तरीके से एंगल डी एंड एंगल बी क्या है, अपोजिट एंगल है, इसे लिख लेना आप। ठीक है, सर मैं अनदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल वुड बी, आप हमें बता सकते हैं क्या, बी और डी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है डी और बी या बी और डी, कुछ भी आप लिख दें। फिर क्या है, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड, ये समझना जरूरी है कि एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। क्या बोल रहा हूं कि एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, बस इन दोनों को समझना है आपको। एडजेसेंट साइड कौन कौन से, यहां पे देखो एडजेसेंट साइड का मतलब एंड से, एक लाइन के एंड से, ये ए बी है, इस ए बी लाइन के एंड, एंड क्या है, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। ए बी का एंड पॉइंट क्या है, एक ए है और एक बी है। इसके इस लाइन के एंड पॉइंट से जो लाइन जुड़ी होगी वो होगी इसकी क्या, एडजेसेंट साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस ए बी के, इस ए बी के साइड में कौन सा, क्या बोला मैंने, कौन सा साइड जुड़ा है। तो ए बी का एडजेसेंट बी सी भी है और ए बी का एडजेसेंट ए डी भी है। समझ में आया कि नहीं आ रहा। देखो प्यारे बच्चों, एडजेसेंट जो साइड होती हैं, अगर किसी लाइन का एडजेसेंट पूछा है तो कह रहा है, कहता है कि ए बी, कोई भी लाइन ले लो, जैसे बी सी ले लो, तो बी सी के जो एंड पॉइंट होंगे, इनसे जो लाइन जुड़ी होगी वो लाइन क्या होगी, इस लाइन के एडजेसेंट होगी। जैसे बी सी का पूछा जाए एडजेसेंट साइड क्या है, तो आप कहोगे बी सी का एडजेसेंट साइड है, बी सी का एंड पॉइंट है बी और सी, इसके एंड पॉइंट से, ए बी के एंड पॉइंट से कौन कौन सी लाइन जुड़ रही है, एक ए बी जुड़ रही है और सी पॉइंट से कौन सी जुड़ रही है, डी सी। तो ये लाइन और ये लाइन किसके एडजेसेंट है, ए बी बी सी के, किसके, बी सी के एडजेसेंट। तो इन्होंने क्या कहा है, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट, क्या है, ए बी एंड बी सी क्या है, एडजेसेंट है इन्होंने कहा। ठीक है, दिस मीन्स वन ऑफ द साइड्स स्टार्ट वेयर द अदर एंड्स। ठीक है, इसका मतलब है, इसमें कह रहा है दिस मीन्स वन ऑफ द साइड स्टार्ट, मतलब एक साइड जो दूसरी साइड होती है वो स्टार्ट होती है एडजेसेंट साइड्स, वेयर द अदर एंड, जहां पे दूसरी क्या होती है, खत्म हो जाती है। चलो फिर कह रहा है इसी तरीके से कह रहा है बी सी एंड सी डी, बी और सी, यहां पे देखो एंड कह रहा है बी सी, ये बी सी और सी डी, सी देखो बी और सी, तो यहां पे एंड हो रहा है, तो एंड क्या हुआ, सी के साथ कौन जुड़ा है, डी वाला, बी सी एंड सी डी क्या होंगे, बी सी एंड सी डी क्या होंगे, एडजेसेंट साइड होंगे, मैंने बताया ना। एडजेसेंट साइड क्या, इसी के साथ कौन सा जुड़ा है, इस वाली साइड के एंड से कौन सा जुड़ा है, ये वाला जुड़ा है, इस वाली साइड के एंड से कौन सा जुड़ा है, ये वाला जुड़ा है। तो क्या होगा, जो एंड से जुड़ा होगा वही एडजेसेंट साइड होगा। तो इसका एडजेसेंट साइड ये, इसका एडजेसेंट साइड ये, इसका एडजेसेंट साइड ये और इसका एडजेसेंट साइड ये। ठीक, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ट्राई टू फाइंड टू मोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, तो हमने, हमें तो मिल गया इसका एडजेसेंट ये हो गया, एक मिल गया, इसका एडजेसेंट साइड ये हो गया, हमें दो मिल गया, इसका एडजेसेंट साइड ये हो गया, तीन हो गया, और इसका एडजेसेंट साइड ये हो गया, चार हो गया, इसमें दो दिया हमने, दो निकाल दिया। और ठीक है, फिर क्या, आइडेंटिफाई अदर पेयर ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, हम निकाल चुके हैं। अब आ रहे हैं किस पे हम लोग, अब हम आ रहे हैं डू दिस पे, क्या आ रहे हैं, डू दिस पे आ रहे हैं। तो डू दिस वाले पे में कुछ भी नहीं है, डू दिस में भी कुछ भी नहीं है, इसको रब कर रहा हूं,
ठीक है, डू दिस में क्या है, एलिमेंट्स हो गया हमारा, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एलिमेंट्स अच्छे से पढ़ लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं डू दिस पे, कह रहा है कि टेक कट आउट ऑफ टू आइडेंटिकल पैरेललोग्राम, इसको समझना जरूरी है, थोड़ा समझ लेते हैं, कुछ है नहीं। कह रहा है कि दो पैरेललोग्राम ले लो आप इस तरीके से, आइडेंटिकल ले लो, एक ए को मा, एक ए बी सी डी, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, डू दिस कह रहे हैं, ये आपको करना है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक चीज क्लियर हो। देखो फिगर क्या है, फिगर 3.19 है, इसी तरीके से फिगर एक इस तरीके से ही बना है, ध्यान से देखो, हो सकता है यहाँ पे क्या हो, डॉटेड स्पॉट दिख रहा हो आपको, तो क्या करूं, चलो यहीं पे बना दे रहा हूं, ए डैश बी डैश सी डैश और यहां पे बना है डी डैश, ठीक है, इधर बना है डी डैश। कह रहा है हेयर, सुनो, टेक कट आउट ऑफ टू आइडेंटिकल पैरेललोग्राम से ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, कह रहा है ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये भी एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या, ये दोनों साइड पैरेलल, ये दोनों साइड पैरेलल, ये दोनों साइड, ये दोनों साइड पैरेलल, ये दोनों साइड पैरेलल, इक्वल भी होंगी क्या, अपोजिट साइड्स, चलो ठीक। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, हेयर ए बी इज सेम एज ए डैश बी डैश, वाह, यहीं पे एक चीज कह दी क्या, कि ए बी जो है, ए बी ये जो ए बी साइड है वो क्या है, क्या है, इस सेम, सेम का मतलब है इक्वल, सेम का मतलब क्या है, इक्वल ही है, कि ए बी क्या है, इक्वल है, जितनी ए बी की लेंथ है उतनी ए डैश बी डैश की लेंथ है, ए बी इज सेम एज ए डैश बी डैश, समझ में, सेम है, सेम एकदम बता दिए हैं, एकदम इक्वल ही है, समझ लो। फिर कह रहा है एक्सेप्ट फॉर द नेम, मतलब नाम को छोड़ के, ये ए बी नाम है और ये ए डैश बी डैश है, कह रहा है नामकरण को छोड़ के और प्रॉपर्टी सबसे में, मतलब ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर की है, ठीक है, चलो ये चीज समझ लो, ये चीज अगर आपको ने समझ लिया कि ये अगर इसके इक्वल है तो भाई साहब दिमाग खुल जाएगा अब आपका। फिर कह रहा है सिमिलरली द अदर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और कह रहा है सिमिलरली अदर करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या, ये अगर इसके इक्वल है तो ये वाली साइड किसके इक्वल हो गई, स्क्वायर, कह रहा है, अब ये कह ही रहा है इसमें कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है इन दोनों फिगर की, मतलब अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, ये ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल, ये इधर वाले के इक्वल, सब एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर कह रहा है प्लेस ए डैश बी डैश ओवर डी सी, कह रहा है ए डैश नहीं ए हाँ कह रहा है ए डैश और बी डैश को क्या करो, डी सी पे पुट करो, क्या करो, डी सी पे पुट कर दो, मतलब इसे घुमा के डी सी पे अगर मैं पुट कर दूं, क्या करूं, डी सी पे अगर मैं पुट कर दूं ए डैश और बी डैश, इसकी लेंथ क्या होगी, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, ए डैश और बी डैश अपोजिट, देखो पहले तो देखो ए बी किसके इक्वल है, ए डैश बी डैश के, क्योंकि इन्होंने कहा इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए डैश और बी डैश, देखो ए बी ए डैश बी डैश के इक्वल है, मतलब ये वाली साइड क्या है, इस वाली साइड के इक्वल है ही, हाँ कि ना। और कह रहा है करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, मतलब ये ऊपर वाली साइड क्या होगी, इस वाली साइड के इक्वल होगी, इसका मतलब ए डैश बी डैश क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसके इक्वल होगा, और ये वाले भाई साहब तो इक्वल ही हैं, बता ही रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब ए डैश बी डैश क्या होंगे प्यारे बच्चों, इनके इक्वल ही होंगे, ना समझ में आ रहा, देखो ये और ये इसके इसके इक्वल है ही, ये और ये इसके इसके इक्वल है ही, अब क्वेश्चन में ही दिया है क्यों ये इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये भी क्या है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, प्रॉपर्टी होता है। अब इसमें कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब देखो इसने कहा कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, दिया है हमें, क्या है, दिया है हमें, तो ये वाली साइड इसके इक्वल दिया है हमें, तो हमको पता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और क्वेश्चन में कहा है कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, मतलब ये और ये वाली क्या होगी, इक्वल होगी, और ये दोनों तो इक्वल है ही, इसका मतलब ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा ही होगा,
तो यहां पे क्या होगा, ये बात सही है, प्लेस करेंगे जब हम लोग ए डैश बी डैश को, ए डैश और बी डैश को कहां पुट करेंगे, डीसी पे पुट करेंगे, तो डू दे कॉन्साइड, क्या ये कॉन्साइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे हां, अगर इसको यहां पे पुट करोगे तो कॉन्साइड तो करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इक्वल लेंथ के हैं। कैन यू, क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ ए बी एंड डी सी, कह रहा है ए बी, ए बी और डी सी, क्या है और क्या है, और डी सी के बारे में क्या कहते होंगे, तो क्या कहना ही है, ये पैरेललोग्राम है तो ए बी और डी सी क्या होंगे, इक्वल और पैरेलल होंगे, क्या होंगे, ए बी एंड डी सी क्या होंगे, पहली चीज पैरेलल होंगे, क्या होंगे प्यारे बच्चों, पैरेलल होंगे एंड इक्वल होंगे, यही कहना है और क्या, इक्वल होंगे। सिमिलरली एग्जामिन द लेंथ ऑफ द ए डी एंड बी सी, ए डी और बी सी के करो, तो ए डी एंड बी सी में भी क्या होगा, यही दोनों होंगे क्या होंगे, पैरेलल होंगे एंड इक्वल होंगे, ये भी हाँ कि ना। अब यहां पे क्या है, व्हाट डू यू फाइंड, तो हमें तो यही मिला है सिमिलरली। फिर यू मे ऑल्सो अराइव एट द रिजल्ट बाई मेजरिंग ए बी एंड बी सी, अरे कह रहा है ए बी और डी सी, ए बी और डी सी को आप मेजर करके भी आप रिजल्ट पे आ सकते हो, तो वो करने की जरूरत नहीं। फिर क्या, अब देखो प्रॉपर्टी ही इन्होंने दे दी, अब डायरेक्ट इसको क्या करो, अंडरलाइन कर लो, क्या है, द अपोजिट साइड ऑफ द ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, देख लो कह रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टी ही दे दी है, क्या दे दी, यहाँ पे लिखो प्रॉपर्टी ही दे दी है इन्होंने, ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी दी है बच्चों। अरे कहाँ गया, अरे अरे मार्कर कहाँ चले गया बाबू, मार्कर भाई साहब ये है मार्कर, ठीक है चलो, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी, क्या गई दी है, ध्यान से देखो, कह रहा है द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललो पैरेललोग्राम, ये फिगर हटा रहा हूं, पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, ये कह रहा है, ये प्रॉपर्टी है, सीधे सीधे एनसीईआरटी में लिखी हुई है पेज नंबर 47 में, ठीक है, इसको आप क्या करो टिक कर लो। ये क्या कह रहा है कि जो अपोजिट साइड होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किसमें, पैरेललोग्राम में, और ये तो मैं बहुत पहले ही आपको पहले ही बता चुका हूं जी, तो कोई बड़ी बात नहीं बता रहा है ये भी। फिर ट्राई दिस पे आते हैं, ट्राई दिस में ये क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं, इसको रब कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डू दिस हो गया, इसको क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, चलो ये भी क्या कर देता हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, रब कर देता हूं, तो डू दिस भी हो गया हमारा। अब समझते हैं क्या ट्राई दिस क्या कह रहा है, यहां पे ट्राई दिस क्या कह रहा है, ट्राई दिस क्या कह रहे हैं, ट्राई दिस भाई साहब, इसको समझते हैं, कह रहा है टेक टू आइडेंटिकल सेट स्क्वायर विद एंगल 30, 60, 90 एंड प्लेस देम एडजेसेंटली टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम एज शोज इन द फिगर 3.20, डज दिस हेल्प यू टू वेरीफाई द अबव प्रॉपर्टी। भाई साहब एक ही चीज 70 बार घुमा घुमा के बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं सेट स्क्वायर यूज करिए आप, सेट स्क्वायर, अब सेट स्क्वायर क्या होता है ये बता दूं एक बार, सेट स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, इस तरीके का क्या होगा आपके पास, क्या होगा, आप जब ज्योमेट्री बॉक्स खरीदेंगे ना, तो इस तरीके का कुछ आपके को, इस तरीके से कुछ क्या होगा, लाइन लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होगी और ऐसे कुछ आपको मिला होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यही होते हैं सेट स्क्वायर होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक क्या होता है यहां पे एंगल वाला डिफरेंस होता है, यहां पे 30 डिग्री, यहां पे 60 डिग्री और यहां पे 90 डिग्री वाला होगा, और यही क्या है रहा है, कह रहा है लेने के लिए, और एक होता है क्या, एक होता है कौन सा, एक होता है यहां पे भी 45 डिग्री, यहां पे भी 45 डिग्री और यहां पे 90 डिग्री वाला होता है, हाँ कि ना, ये एक होता है, हमसे कहा है इस तरीके का लेने के लिए, किस तरीके का, इस तरीके का लेने के लिए कहा है इस तरीके का लो, और एक और लो जो जिसको आपको कुछ इस तरीके से रखना है, किस तरीके से, इस तरीके से रखना है, मतलब इधर भी क्या बनेगा हमारा 30 डिग्री और इधर भी क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा 30 डिग्री, नहीं नहीं इधर 30 डिग्री नहीं बनेगा, उल्टा रखना है ना, तो इधर बनेगा 60 डिग्री और इधर बनेगा 30 डिग्री, हाँ कि ना, और ये वाला बनेगा हमारा 90 डिग्री बनेगा,
ठीक है, तो हमें भी इस तरीके से क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से हमें भी कुछ लाइन लाइन ऐसे इस तरीके से होगी और कुछ इस तरीके से इधर लाइन लाइन बनी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन्होंने कहा इस तरीके से ले लीजिए, ठीक, और आप क्या करिए, जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी उसको इस इन सबसे प्रूव करिए, प्रूव करिए, हाँ कि ना। अब यहाँ पे क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, क्या कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं। नाइन्थ क्लास में आप पूरा पूरा कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे, किस तरीके से दो ट्रायंगल को इक्वल बनाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया है, इक्वल बनाने की कोशिश की है और इन्होंने एग्जाम्पल लेके बनाया है। इसको कहा है आप अपने तरीके से बताइए इसको, इसको चुटकी में बता सकते हैं, किससे, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से, कैसे, एंगल साइड एंगल की क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। अब आप कहोगे ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों, दो तीन चार तरीके से कॉन्ग्रुएंसी लगाई, जैसे जैसे साइड साइड साइड, क्या करो दो ट्रायंगल लो उनकी एक की साइड 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 प्रूफ कर दो। देखो मैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में अच्छे से आपको बताऊंगा, पहले यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहा है क्या कि आप ये ट्रायंगल ले लो और ये ट्रायंगल ले लो, क्या करोगे आप, ये वाला जो एंगल होगा 60 ये इसके बराबर हो जाएगा, कैसे, अल्टरनेट के बराबर, क्यों, क्योंकि ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है इसके। और मैंने आपको बहुत ही पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है, अगर ऐसे कुछ कट रहा है तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, अल्टरनेट होता है। तो आप देखो अगर ये और ये पैरेलल लाइन है और ऐसे कुछ कट रहा है तो ये वाला एक एंगल हुआ और एक ये वाला एंगल हुआ। देखो ध्यान से देखो, ऐसे और ऐसे जा रही है पैरेलल लाइन और कुछ ऐसे कट रहा है, ऐसे कुछ कट रहा है, तो ये वाला जो एंगल यहां बन रहा है ये वाला, और ये वाला जो बन रहा है ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो ये 60 हुआ, ये भी 60। अब ये वाला जो एंगल बनेगा, इधर वाला जो एंगल बनेगा, ये जो 30 बन रहा है, ये किसके बराबर होगा, इस वाले के, इसके बराबर होगा, ठीक है, जो भी बन रहा है जिस भी तरीके से। अच्छा ये वाला तो अलग है, ये वाला तो अलग है, ये वाला तो मैंने गलत बता दिया, ठीक है, ये वाला अलग है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये किसके लिए, ये इस वाले के लिए होगा, किस वाले के लिए, इस वाले के लिए, इस तरीके से इस वाले के लिए है ये, मतलब ये वाला जो होगा ये इसके इक्वल होगा, ये वाला अगर 30 डिग्री बनना है तो ये भी 30 डिग्री ही बने, ये इसके लिए है, समझ में आ रहा, इन दो पैरेलल लाइंस के लिए। तो इसमें क्या किया गया है, इसने कहा है कि ये वाला आप इस तरीके से प्रूव करिए। तो देखो प्यारे बच्चों ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ज्यादा कुछ नौटंकी नहीं करनी है। इन्होंने क्या किया है, चलो मैं बता देता हूं, इसको आप करिएगा, मैं आपको बताता हूं इन्होंने किस तरीके से प्रूव किया है। यहाँ पे इन्होंने कहा बाबू ज्यादा कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, इसको आप अपने तरीके से करो, क्या करो, हम अपने तरीके से बता रहे हैं कि एक क्या करो, एक आप पैरेललोग्राम ले लो, ठीक है, इसको ए बी सी और डी नामकरण कर दो, और फिर क्या करो, एक यहां से डायगोनल टक 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 करके ऐसे निकाल दो, ठीक है। निकालने के बाद आप क्या करो, इस एंगल को नामकरण करो 1, इसको करो 2, इसको करो 3 और इसको करो 4, नामकरण कर दो। नामकरण करने के बाद इससे पहले क्या बता रहे हैं कि यू कैन फर्दर स्ट्रेंथन दिस आइडिया, कह रहे हैं इसको आप अच्छे से बता सकते हो थ्रू अ लोकल आर्गुमेंट ऑल्सो, एक छोटा सा आर्गुमेंट देके। कंसिडर अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन्होंने कहा ए बी सी डी का एक क्या करो, पैरेललोग्राम कंसिडर कर लो, ठीक है, फिगर 3.1 में। देखो 3.1 में हमें यहां पर क्या बताना है कि ये वाला जो ट्रेंगल है, ये वाला ट्रेंगल क्या है, ट्रेंगल ए डी सी एंड ट्रेंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, यही इनका मोटिव है, ठीक है, और यही ये दिखाएंगे लास्ट में, देख लेना। कह रहा है ड्रॉ एनी वन डायगनल ए सी, कह रहा है ड्रॉ करिए एनी वन डायगनल ए सी, तो हम ड्रॉ करके ही रखे हुए हैं, कोई दिक्कत है। देखो तो हर चीज यहां पे कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे क्या क्या चीज कह रहा है। लुकिंग एट द एंगल, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, कह रहा है आप क्या करिए, एंगल वन को देखिए और एंगल टू को देखिए, एंगल वन इक्वल है एंगल टू के, कैसे, दो पैरेलल लाइन ये कट्टम कुट्टी हुई, तो ये वाला जो एंगल बनेगा प्यारे बच्चों, देखो कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल वन, ये नीचू नीचू वाला, ये वाला जो एंगल वन है ये किसके इक्वल होगा, एंगल टू के, तो ये ऊपर वाले एंगल से इक्वल होगा, कैसे, अल्टरनेट एंगल से। तो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, कैसे, अल्टरनेट एंगल से। तो ये मैं बताया था आपको जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने चैप्टर, एंगल टू के। और एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर, अब एंगल थ्री जो है ये एंगल फोर के इक्वल है, एंगल थ्री इक्वल है एंगल फोर के, ये भी कैसे,
अल्टरनेट एंगल से, ठीक है, इसमें वाई वाई करके छोड़ दिया है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर क्या है कि सिंस द ट्रायंगल एबीसीडी एंड एडीसी, कह रहा है कि सिंस मतलब क्या है, इन्होंने यूज क्या कहा कि जैसे कि ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, कह रहा है कि एसी क्या है, एसी इक्वल्स टू एसी जो कि कॉमन है, क्या है, कॉमन है, मतलब ये क्या है, कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो यहां पे इन्होंने सीधे कहा कि बाई एएसए, इन्होंने कहा बाई एएसए मतलब दो एंगल क्या हुआ, एंगल साइड एंगल, पहले क्या है, इधर एक एंगल है, ये इधर एक साइड है और ये इधर एक एंगल है, तो इन्होंने कहा एंगल, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल इन्होंने कहा तीन प्रॉपर्टी हमें कॉमन दिख रही है। देखो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको एक ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल में तीन प्रॉपर्टी सेम दिखानी पड़ती है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो अगर आप एक एंगल, एक साइड और एक एंगल को अगर आप प्रूफ कर देते हो तो यह क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, कोई भी दो ट्रायंगल को आप इस तरीके से प्रूफ कर दो, या तो साइड साइड पूरे प्रूफ कर दो, या तो पूरे एंगल प्रूफ कर दो, या तो साइड एंगल साइड कर सकते हो, या एंगल साइड एंगल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो इसी तरीके की प्रॉपर्टी लगती है, ठीक। तो इन्होंने किससे प्रूफ किया है, एंगल साइड एंगल से इन्होंने प्रूफ कर दिया क्या, कि जो ये ट्रायंगल है कौन सा ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए की, ठीक है, सी डी ए के, मतलब यहां पे आप ये भी यूज कर सकते थे, इस ये भी यूज कर सकते हो, यही यूज करना चाहिए आपको यहां पे इसकी जगह, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यही यूज किया, तो ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में यहां पे ऊपर कुछ लिखा है तो आप उसको देख सकते हो, है तो ट्रायंगल यही, चाहे इसे ए सी डी बुलाओ या ए डी सी बुलाओ, चाहे इसे ए बी सी बुलाओ या ए सी बी बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इन्होंने कहा इसी तरीके से ए बी इक्वल्स टू बी डी, कहा ए बी किसके बराबर होगा, बी डी के, डी सी के बराबर, और बी सी किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर। तो ये बस यही दिखा रहे थे कि ये वाली साइड किसके बराबर है, इस वाली साइड के, और ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के, इस ट्राई दिस से यही ये बताना चाह रहे थे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आया होगा। तो अब क्या कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, कुछ नहीं था, ये फालतू की सारी बातें थी, यहाँ पे हर एक चीज हम लोगों को देख चुके हैं, ठीक है, कुछ नहीं था। अब यहाँ पे छोटा सा एक नन्ना सा मुन्ना सा क्या है एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल नंबर थ्री है, क्या है एग्जाम्पल नंबर थ्री है, ये भाई साहब कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम ए पी क्यू आर। तो ये कोई पैरेललोग्राम दिए हैं हमें यहाँ पे, कौन सा पी क्यू आर एस का हमें क्या दिए, एक पैरेललोग्राम दें। लेक्चर लंबा खिंच रहा है बट मजा आ रहा है आपको, मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत ही सरल, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो इन्होंने कहा पी क्यू आर का एक ट्रायंगल हमें क्या दिया, पैरेललोग्राम, एक यहां पे 12 सेंटीमीटर, इधर भी 12 सेंटीमीटर। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको तो पता ही है अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। तो ये अगर 12 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाले भाई साहब क्या होंगे, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये अपोजिट साइड 7 सेंटीमीटर, तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या बता रहा है, पेरीमीटर, हाँ कि ना, यही तो बता रहे हैं ना, हाँ पेरीमीटर। तो पी ई आर आई, पेरीमीटर जो होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, इसका 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 सम होता है। तो यहां पे लिखोगे 7 + 12 + 7 + 12, हाँ कि ना, कर दो। तो ये 7 × 7 = 14, 12 × 12 = 24, और इन दोनों को ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 8, फिर 38। तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसको ऐड करके देखो, बहुत ही सरल है, तो 38 आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे एंगल, देखेंगे एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा, वीडियो क्या हो रही है लंबी, अच्छी खासी खींच रही है, मुझे पता है,
तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में देखा एनसीईआरटी के वजह से इतना लंबा खींच रहा है, नहीं तो हम लोग तो क्या कर चुके थे, यूं अच्छे से पढ़ चुके थे ये सब चीजें। तो एनसीईआरटी में क्या कह रहा है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं अच्छे से, क्या क्या वो किस किस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये ऐसा होता है, आप ऐसे कर सकते हो, आप वैसे कर सकते हो, ठीक है, किस किस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी चीजें बता रहा है, ठीक है। आप हर एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो अलग अलग तरीके से, तो हर एक तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी जिस तरीके से इन्होंने बताने की आपको कोशिश की है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि एंगल के बारे में क्या बता रहा है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वही बताएगा क्या कि ये अपोजिट और ये अपोजिट इक्वल होते हैं, ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यही बताएगा और बहुत घुमा फिरा के उल्टा फुल्टा बताएगा, इसलिए मैं बता दूं आपको जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि बहुत कुछ नहीं था इसमें, वही चीज घुमा फिरा के बता रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ना कुछ समझ में आया तो इसको क्या करो, रिवाइज कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और इसको रिवाइज करना मत भूलना।